कम कम नो किरण उधर देख चल क्यों वो आया नहीं क्या लगता है आएगा भी नहीं तू भी एकदम अकेली है मैं भी अकेला हूं वैसे भी हम जैसे लोगों के लिए ही ये पब वगैरह होता है 10 मिनट के लिए तू बस मेरे साथ में चल स्वर काफी लाएगा अपनी माँ को अपने साथ ले जा सुन वहां 4 दीवारों के बीच में सिर्फ मैं अकेला ही होता पर यहां पर ए, अब ये सब तेरे साथ खेलेंगे प्यार से तुझे बात समझ में नहीं आती है ना पकड़ो इसे अब तुझे बताते हैं कि हम में कितना दम है पकड़ो रे पहले तो तुझे फ्रेंड समझ के वार्निंग देके छोड़ दिया था लेकिन तू कमीना है वार्निंग से नहीं समझने वाला ए, पहले इसे खत्म करो बाद में उसको देखते हैं ये तेरे पालतू पिल्ले सिर्फ मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हैं लेकिन तुझे पता है मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ जान बचानी है तो भाग जा यहां से ए, क्या कर रहा है वो मर जाएगा क्या कर रहा है छोड़ दे मैंने कहा था ना टाइम आने पे मैं इसके लिए तेरी जान भी ले सकता हूं उसमें और तुम में क्या फर्क है वो डायरेक्ट रूम में आने के लिए बोल रहा है और तुम दोस्ती और प्यार बोलकर रूम में आने के लिए बोल रहे हो यही बात है ना क्या कहा वो और मैं एक है क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे समझ में नहीं आता क्या बोल रही है प्यार के लिए मैं झूठ बोलता हूँ मैं झूठ बोल के प्यार करने वालों में से नहीं हूँ मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारे प्यार में पागल हूँ उस लड़के को ऐसे छोड़ दिया एकदम गुंडा लग रहा है व्हाट इज दिस न्यूसेंस सर आपके कॉलेज में बहुत खूबसूरत लड़कियां पढ़ती हैं सर दिमाग खराब है इसका खास करके ये लड़की अरे क्या कर रहा है सॉरी सर सर की है चल यहां से चल क्या रे तू अपने आप को हीरो समझता है क्या क्या बोल रहा है कॉलेज के अंदर आकर के स्टूपिड यू आर लकी चल आजा बैठना अरे यार पूरा म्यूजिक सिस्टम हिला के रख दिया इसने
मुझे तेरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए बस। बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तुझे चॉकलेट चाहिए। ए, तू ऑलरेडी फाइनल डिग्री में पढ़ रहा है, तुझे एडमिशन चाहिए तो फिर से फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्यादा शॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। हे, ये तो डायरेक्ट क्लास में ही आ गया। शायद तुझे देखने आया होगा, तूने अजीब तरीके से देखा था ना, फिदा हो गया होगा बेचारा। हे मिस्टर, व्हाट डू यू वांट? पता नहीं अब क्या करेगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, न्यू एडमिशन। कम इन। अबे हट रे। नो डाउट ये तुझे ही पटाने आया है यहाँ, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान अब मैं क्या करूं? ओह नो, अब क्या करूं? ओफो, तेरा म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो गया। अरे क्यों इतना टेंशन ले रही है तू? तुझे सच में ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लिया है? और नहीं तो क्या, उसकी शक्ल देखकर लगता है वो पढ़ने वाला है। पक्का गुंडा ही है वो, और तेरे लिए ही आया है, नो डाउट। ए तू रुक जा। अब कौन सा मंत्र पढ़ रही है? ये कोई टाइम है मेडिटेशन करने का? ओह, ये ना कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देखा था, जब ज्यादा टेंशन होने लगे तो एक मिनट तक मेडिटेशन कर लो तो रिलैक्स फील होता है। ओह, तो ये सब भी फॉलो करती है क्या? आगे बोल, इसमें बोलने की क्या बात है, तू मेडिकल स्टूडेंट है यार। वन मिनट। अब क्या हुआ, फिर से स्ट्रेस? नहीं, आइडिया के लिए। दो दिन पहले यूट्यूब में देखा होगा, एक मिनट मेडिटेशन तो 100 आइडियाज आते हैं, है ना? तुम भी फॉलो कर रही हो? मेरी बात तो तुम रहने ही दो, अभी बताओ कि करना क्या है। रिवेंज। रिवेंज, लेकिन किससे? उस राउडी से, जो लड़की टोमेटो सॉस को ब्लड समझकर बेहोश हो जाती है, वो रिवेंज लेगी। ए, मैं इतनी भी इनोसेंट नहीं हूँ, देख लेना कल वो कॉलेज नहीं आएगा। अच्छा, वो कैसे? लाइटर डे? नहीं है मेरे पास। ओह, प्रोमो हो गया, मुझे स्मोक करने वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। अरे अरे, मुझे स्मोक करने की आदत नहीं है। ठीक है, सुना है तुमने मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्लीज सर मुझे छोड़ दो। तुम्हें किसने बोला कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है? सब अपने हिसाब से इमेजिन कर लेती हो। यू नो समथिंग, आई वांना बी डॉक्टर। अरे तू डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ा एक्टर है, कदा कहीं का कुछ भी बोलता रहता है। अबे मैं डॉक्टर बोलता हूँ तो किसी को यकीन क्यों नहीं होता है? तेरी शक्ल डॉक्टर बनने की है भी नहीं। क्या है? मेरे डॉक्टर बनने की शक्ल नहीं है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक मेरी थी, सेकंड क्लास में भी फर्स्ट रैंक मेरी ही थी, थर्ड क्लास में भी फर्स्ट रैंक मेरी ही थी, इसलिए मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनके स्टेट को कंट्री में। रुक रुक, सबकी सेवा करनी होती है बस इतना ही ना? नहीं सर, स्टेट में और कंट्री में मैं सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अच्छा, तू भी इसी टाइप की है? तू अपना मुंह बंद रखना। सर आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगी। ओके सर। हाँ, अगर तुम्हें छोड़ना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मुझे किस करना पड़ेगा। सर क्या नहीं करोगी? ए, जो भी लेना देना है वो जल्दी कर लो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। करेक्ट। ये तो गलत है सर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने जो तुमसे मांगा है वो मुझे दे दो और अपनी क्लास में जाओ। और हाँ, वाह, ये तो किस्त देकर चली गई। ए, इतना
घबरा क्यों रही है? जस्ट रिलैक्स, लेट्स गो। यहाँ किस लिए? तू देख, मैं बताती हूँ। चलो। तूने तो पूरे कैंपस में घुमाकर थका दिया यार। हेलो, देखा ना, कैंपस में नहीं है, कैंटीन में नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं है, मेरा प्लान पूरा वर्कआउट हो गया। हाँ सच में यार, वैसे क्या प्लान था तेरा, क्या किया तूने? ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी, ठीक है? देखा ना, जबान का पक्का है वो। आजकल के लड़के लोग तो जबान पे टिकते ही नहीं है यार। हमारे लड़कों ने बॉलिंग तो अच्छी की यार, पर ये लड़की पटने वाली नहीं है। हे, क्रिकेट ग्राउंड में उतरते ही बैट्समैन छक्का नहीं मारता है, उधर बॉल होती है और इधर गर्ल्स हैं, दोनों को हैंडल करने का तरीका एक ही है। अरे 2 साल की डिग्री छोड़कर यहाँ आया हूँ मैं, मुझे डिफेंसिव गेम नहीं खेलना है बल्कि अग्रेसिव गेम खेलना है, कोहली की तरह। नेक्स्ट ओवर में देखना। क्या यार, तूने तो एक ही मीटिंग में उसे किस कर लिया। ये अभी रुकने वाला है क्या? ये टारगेट फिक्स हो चुका है, 2020 मैच है। टुडे वी डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तुझे याद है ना प्रिया? माँ याद है ना, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब तो मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ। प्रिया, तुम हमें छोड़कर कहीं जा रही हो ये सोचकर दिल घबरा रहा है, पता नहीं तू वहां कैसे रहेगी, क्या करेगी। देखो वहां पर अगर तुमसे कोई भी छोटी गलती हुई तो यहाँ सबके सामने मेरा सिर झुकेगा, ये याद रखना है, और जो भी करना सोच समझ के करना। प्रिया बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। पापा टेंशन की कोई बात नहीं है। रेडी हो गया ना, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तुम कॉलेज जा रही हो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। पापा ये सब क्या है ना, इसके अलावा हमारा और कौन है, डॉक्टर बनना इसका सपना है। मैं भी यही कह रहा हूँ भैया, इसके अलावा हमारा और है भी कौन। घर से बाहर निकलने के बाद लड़कियों को आजादी मिल जाती है, लेकिन उस आजादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। ए, चलो लगेज कार में डालो, आ जाओ। प्रिया, प्रिया। हे, स्टैंड अप। प्रोफेसर उठने को बोल रहे हैं। वेयर इज योर माइंड, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। इसकी तुम्हें, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। Get out from my class. God. सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे पसंद नहीं था फिर भी मैंने किस कर दिया। पहले आप अपनी जुबान पर फिक्स रहो सर, आप जुबान देकर मुकर क्यों रहे हैं सर? What is this? मैंने तो जैसा कहा वैसा ही हूँ सर। जो जब जबान पर कायम नहीं रहता वो लंगड़ा हो जाता है सर। किसने बोला? मेरी दादी ने। तुम्हारी दादी कहाँ है? चलो जाओ। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, वो भी हाथ धोकर। किरण, ये यहाँ विनय को कॉलेज में पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने प्यार किया है। ये लोग मिलकर उस राउडी के हाथ पैर तोड़ देंगे ना, तब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहेगी, मैं हैप्पीली डॉक्टर बन जाऊंगी, अब बड़ा मजा आएगा। कम लेट्स गो। सच में हर इंसान साइको होता है, देख लो, और कभी कभी बाहर भी आ जाता है। ये भाई मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। बोल रहे कौन सा कॉलेज है उसका, बुला उसको यहाँ पर। तेरी आंखों में जो डर है ना उसको दिखाऊंगा मैं। अभी वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। भाई यही है वो लड़का। ए,
भाई प्रिंसिपल आ रहा है, चलो यहां से निकलते हैं। असल में तू है कौन? बाहर के कॉलेज से आकर के तू मुझे मारेगा? भाई इस कॉलेज में नया नया आया हूं मैं, फर्स्ट ईयर, न्यू एडमिशन। भाई किस बात का ईगो है तुम लोग को? बाहर के कॉलेज वालों को मारो तो बेइज्जती, और अपने कॉलेज के लोगों को मारो तो कोई बात नहीं। और हाँ, वैसे भी झगड़ा तुम दोनों का था, तो इन पालतू पिल्लों को क्यों साथ में लेके आया? ए, ये मेरा दोस्त है, कोई पालतू पिल्ला नहीं है। मेरे सामने इसे मारेगा? तुम लोग कॉलेज किस लिए जाते हो? मुझे तो लगता है लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हो। एक बात सुन ले, अगर इस कॉलेज में तूने इस तरह की घिनौनी हरकत की ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात लिख के ले ले, और ये जो तेरे पालतू पिल्ले हैं ना, इन्हें बांध के रखना, क्योंकि इस कॉलेज में एक खूंखार शेर खुला घूम रहा है। तुम लोग जो ये हॉकी और बैट्स लेकर के आए हो ना कॉलेज में स्टूडेंट्स को डराने के लिए, चीर फाड़ के रख दूंगा। और हाँ, तुझे कम से कम यहाँ आने से पहले ये मालूम करके आना चाहिए था कि मैंने उसे मारा क्यों। लो ना खा। ओ मैं जरा वॉश करके आती हूँ। सब शूट कर लिया है मैंने, कल हॉस्टल रूम में आ जाना, नहीं तो इसे वायरल कर दूंगा। अमृता क्या हुआ? अभी अभी यही है वो। अगर तुझे रिवेंज लेना है तो कोई अच्छा सा प्लेस ढूंढ, यहां कॉलेज में तमाशा मत कर। हाय। हाय, सॉरी, मैं तो आपको राउडी समझती थी। कौन है रे वो? वही उसी की वजह से उस दिन मैं मरते मरते बचा था, और आज भी ये रिवेंज की बात है। ऐसा क्या? फ्रेंड्स। मुझे लगा था कि तूने अपने 2 साल खराब कर दिए, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सेट किया है। अभी बहुत ट्रैवल करना है भाई। ट्रैवल करने के लिए कोई पवन कल्याण की फिल्म नहीं है जो तू 2 साल तक वेट करेगा। टाइम अब फास्ट निकलता है, तो सीधे जा प्रपोज कर और कहानी खत्म कर। वैसे भी आजकल लड़कियों के मामले में टाइम वेस्ट करना बेकार है यार, डायरेक्ट जाकर आई लव यू बोल देना। मैं जाके उसे आई लव यू बोल दूं? नो वे, वो खुद आकर के मुझे प्रपोज करेगी, बस देखता जा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी लड़की है यार, वो आकर तुझे प्रपोज कभी नहीं करेगी। अगर तू ये सोचकर बैठा है तो ये बड़े दुख की बात है, बहुत मुश्किल है यार। वैसे एक बात बता दूं, अभी पिक्चर की शुरुआत हुई है, वो मेरे पास खुद आएगी और दौड़ के गले लग के आई लव यू बोलेगी। अच्छा कल मेडिकल कैंप है ना? ये लीजिए। इन सभी को मेडिसिन दे दो, ठीक है? इधर आओ। या, there's no problem। हाँ, ठीक है, ठीक है। रूपा, bye, bye। ये जो टैबलेट है ना, इसे टाइम टाइम पर लेते रहिएगा, ठीक है ना? प्लीज हट जाओ सामने से। क्यों हट जाओ? वही चाहिए क्या तुझे? मैं नहीं चलूंगा। एक्सक्यूज मी। किरण, वो सामने खड़ा है, जाने दे इसे। स्टूपिड। क्या है ये आखिर? हर जगह पहुंच जाता है,
क्यों क्यों क्यों? हाय अभी। हेलो, चलें क्या? हाँ। कम। उसके साथ होने पर मुझ में हिम्मत आ जाती है। चाचा जी, आपका भाई? पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है। और कॉलेज कैसा है? ठीक चल रहा है। खाना खाया? फोन बज रहा है, बात कर लो। कोई बात नहीं। कौन है? फ्रेंड। बेटा तुम बात कर सकती हो? शायद कुछ अर्जेंट हो। मेरा नहीं, आपका फोन है। तुमको माँ से बात करनी है क्या? नहीं चाचा जी, मैं बाद में बात करूंगी। तुम कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हो, फोन पे बात करने के लिए नहीं, समझ आ रहा है ना? निकलो। इधर है मैडम। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? क्या नाटक है? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? एक्सक्यूज मी, माइंड योर वर्ड्स। मुझ में कोई भी एटीट्यूड नहीं है, समझे? मुझे बस अपनी लिमिट्स पे रहना है। और अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? Who are you? Friends. Friends मतलब? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दो तुम। इंडिया में मी टू इस समय बहुत जोरों से फैल रहा है। मतलब हम फ्रेंड है तो फ्रेंड है, बात करने के लिए कोई प्लान करना पड़ेगा क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? लड़कियों को पटाना, उनके पीछे पड़ना, यही सब तो तुम्हारा काम है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बोलता है तू मेरी जान है, दूसरा बोलता है कि तुम मेरी पिछले जन्म में सोना बेबी थी। बस तुम लोगों को यही आता है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। गुड बाय। ए, क्या बात है, प्रिया इतने गुस्से में क्यों जा रही है? वो सब छोड़ यार तू, अमृता के मम्मी पापा के पास गया था ना तू, क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा था कि आज शाम को वो वहीं आकर मिलेंगे, तो फिर ओके, चल जाने दे, कुछ हुआ तो मुझे फोन करना। तू मेरे साथ चल। ए, तू तो ऐसे टेंशन ले रही है कि युद्ध लड़ने जा रही है, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? हम लोग पब जा रहे हैं यार, अब जल्दी चलना। अरे देख, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम भी बैठो ना। इंटरेस्ट नहीं है जैसे ये क्या कोई एटॉमिक की क्लास है? पब है यार, कितनी बार भी जाओ लेकिन बोर नहीं होते। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जाओ ना। मुझे पता है तू इस समय अभी के बारे में सोच रही है ना? नहीं, हरदम मौज मस्ती करने वाली लड़की अचानक से शांत हो गई, इसका कारण एक ही है, प्यार। यू आर इन लव। हे, डोंट टॉक रबिश। अगर प्यार नहीं हुआ है तो फिर पहले की तरह रहना, ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? मैं उसके करीब नहीं जाना चाहती। अगर तू जैसा बोल रही है कि प्यार हो गया है तो वैसा चांस ही नहीं है, मेरे चाचा मुझे मार डालेंगे। तुझे प्यार हो गया साफ साफ दिख रहा है मुझे, तेरी दोस्त हूँ, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है पब चलते हैं ना हम लोग, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा यार, चलना। सोच क्या रही है? किरण उधर देख, चल। क्यों, वो आया नहीं क्या? लगता है आएगा भी नहीं। तू भी एकदम अकेली है, मैं भी अकेला हूं। वैसे भी हम जैसे लोगों के लिए ही ये पब वगैरह होता है। 10 मिनट के लिए तू बस मेरे साथ में चल, स्वर्ग काफी लाएगा। अपनी माँ को अपने साथ ले जा।
सुन, वहां चार दीवारों के बीच में सिर्फ मैं अकेला ही होता, पर यहां पर ए, अब ये सब तेरे साथ खेलेंगे। प्यार से तुझे बात समझ में नहीं आती है ना, पकड़ो इसे। अब तुझे बताते हैं कि हम में कितना दम है, पकड़ो रे। पहले तो तुझे फ्रेंड समझ के वार्निंग देके छोड़ दिया था, लेकिन तू कमीना है, वार्निंग से नहीं समझने वाला। ए, पहले इसे खत्म करो, बाद में उसको देखते हैं। ये तेरे पालतू पिल्ले सिर्फ मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हैं, लेकिन तुझे पता है मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। जान बचानी है तो भाग जा यहाँ से। क्या कर रहा है? वो मर जाएगा, क्या कर रहा है? छोड़ दे। मैंने कहा था ना, टाइम आने पे मैं इसके लिए तेरी जान भी ले सकता हूं। उसमें और तुम में क्या फर्क है? वो डायरेक्ट रूम में आने के लिए बोल रहा है और तुम दोस्ती और प्यार बोलकर रूम में आने के लिए बोल रहे हो, यही बात है ना? क्या कहा? वो और मैं एक है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, समझ में नहीं आता क्या? बोल रही है प्यार के लिए, मैं झूठ बोलता हूँ? मैं झूठ बोल के प्यार करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। शादी मतलब चार बड़े लोग, मंगलसूत्र, सिंदूर, बस यही सब। पूरा कंफ्यूज कर दिया है, कहां पर है वो? एक बार उसे फोन करूं, क्या करूं? ओह नो, कहाँ पर हो तुम? बीच पर। ड्रिंक कर रहे हो क्या? टाइम कितना हुआ पता है ना? जाकर सो जाओ। फ्लैट पर ठीक से जा सकते हो ना? जा सकता हूँ। मुझे कल तुमसे बात करनी है, कल 11 बजे मुझे लेने आ जाना, ठीक है? ठीक है ना? सी यू टुमारो। ओ गॉड, ये लड़कियाँ समझ में क्यों नहीं आती यार? तुम यहाँ चर्च में क्यों आ? पापा क्रिश्चियन हैं और मैं हिंदू। कैलेंडर में जो भी फेस्टिवल रहता है हम सब मनाते हैं, और हमारा घर इंडियन है। क्या हुआ? ठीक है, चलो चलते हैं। भाई, प्रिया तो अभी बोलो। क्या बोलना है? तुमने ही कहा था ना कुछ बात करनी है तुम्हें, नहीं करनी है? चलो चलते हैं। hey, अभी रुको रुको, तुमने अपनी सेकेंड ईयर की डिग्री छोड़कर मेडिकल फर्स्ट ईयर में ज्वाइन क्यों कर लिया, और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे किस क्यों करने को बोला, और फिर कल तुमने उन लड़कों को पब के बाहर क्यों मारा? इन सब के लिए मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत सारा कंफ्यूजन होने के बाद अभी मुझे तुमसे अभी No!
क्यों रे? बार बार हर जगह पे आ करके तू रोड़ा बन जाता है, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, ये जगह ठीक है? ए, इतने कंफ्यूजन के बाद आज मेरी डार्लिंग मुझे कुछ बोलने वाली थी, उसे बोलने दे, हम अपना झगड़ा फिर कभी सलटा लेंगे। छोड़ो मुझे। अभी चलो चल गए। छोड़ दो मुझे। अरे चुप बैठ। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो अभी। ये लड़की? पापा वो प्यार करते हो उससे? वो बात नहीं है पापा। तुरंत उस लड़की को छोड़ दो। पापा मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। सिर्फ मेरी बात सुनो पापा। जो तुमने बोला है उसे भूल जाओ, घर वापस आओ। क्या हुआ? तुमने जो अभी बोला वो भूल जाओ, हम कभी एक नहीं हो सकते। हेलो प्रिया बेटा, कैसी हो तुम? पापा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, मैं थोड़ा थक गई थी बस। ओ, ये बात है। ओके, देखो तुम्हारे लिए मेरे पास गुड न्यूज़। क्या है पापा? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। बेटा, प्रिया बेटा। हाँ पापा, बोलिए। बेटा तुम कितनी किस्मत वाली हो, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत अच्छा परिवार है, लड़का बहुत अच्छा है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं पापा। अच्छा, अचानक बताया ना तुमको? सॉरी बेटा। बस बहुत हुआ, बहुत प्यार भरी बातें कर ली, अब फोन मुझे दीजिए। दीजिए ना। हेलो प्रिया। कुछ नहीं बेटा। तो टेंशन मत ले बेटा, तेरे चाचा जी आए थे तो
हमारी बहू करके बस पीछे ही पड़ गए थे। बस इतना ही, मैंने इन्हें बहुत समझाया पर बात करनी है कहकर बस जिद करने लग गए थे। अच्छा, तुम्हारे आने के बाद बहुत सारी बातें करनी है, तू बस जल्दी से वापस आ जा। माँ, एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। क्लास है, कह रही है। मुझे दो। अब आप ही बोलियो से। देखो प्रिया बेटा, टाइम निकाल कर आज ही आ जा। जोर से बोलिए ना। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी भी आने को कह रही है। ओके ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। चला, ये रहा भाई। उससे गलती हो गई। क्यों रे, इस मासूम बच्ची के साथ तूने ऐसा किया? तेरी इतनी हिम्मत? मालिक, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उस बच्ची के साथ गलत करते हुए तुझे डर नहीं लगा? मालिक, तेरी मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं। मुझे माफ कर दो मालिक, 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 गलतियों के मालिक, मालिक। इस जानवर को उठाकर फेंक दो। देखो जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना है वो सोचो। बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो, बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। आप लोग धैर्य रखिए। अभी बेटा, तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे तू ऐसे बिना खबर दिए क्यों आ गया? कुछ नहीं दादी, आप लोग को देखने का दिल कर रहा था। ठीक है बेटा, चलो पहले फ्रेश हो जाओ। जाओ। प्रिया, आजा आजा आजा। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? क्या हुआ बोलो ना। प्रिया बेटा, मेरी प्यारी बेटी, आजा आजा आजा। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है, तुम बिल्कुल टाइम पर आ गई हो। हाँ, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं हो? नहीं, तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अरे, इसे बात करने का मौका ही कहाँ दिया हमने, और वैसे भी आपका प्यार कम करना किसी के बस की बात है क्या? जा बेटा, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं तब तक जाकर इसके रूम की सफाई करवा देती हूँ। जा। नमस्ते, 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 नमस्ते। Oh!
शेर का बेटा है ये। अंदर जाइए। आई गिरी नंदिनी नंदिता मेदिनी, आई गिरी नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। माँ क्या हुआ? मैं भी तुझसे यही पूछ रही हूँ। वो सुबह मंदिर में जो कुछ हुआ वो छोड़, वो तो रोज का है। तुझे मैं पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है तूने? मेरी ये दाढ़ी फैशन चल रहा है, यही बोलेगा ना? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, इतने सारे लोगों को मेरे इकलौते बेटे ने मारा है। अपनी आंखों में और दिल में जो दर्द छिपा कर रखा है ना तूने, इसीलिए तेरे आंसू नहीं आते। तू भले ही अपने आंसुओं को रोक ले, लेकिन एक माँ से कुछ नहीं छिपा सकता, आंखें सब बोल देती हैं। कौन है वो लड़की? प्रिया, मैंने उसे अपनी जिंदगी माना था, लेकिन ये जिंदगी देने वाले पिताजी ने कहा कि इस जिंदगी में उस लड़की को भूल जाओ, इसलिए सब भूल के यहां आ गया। उन्होंने कहा प्रिया को भूल जाओ, भूल जाने के लिए वो कोई मेरी अच्छी यादें नहीं है माँ। She is my life. मर्द पसंद करके प्यार करता है, लड़की भरोसा करके प्यार करती है, और उस भरोसे को कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। तुम जाओ और उस भरोसे को कायम करो, यहां कुछ भी हो जाए मैं सब देख लूंगी। बेबी बोलो। अगर तुम तैयार हो तो मैं आके तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूं। मैं किस कंडीशन में हूं तुम्हें पता नहीं है, जाओ यहां से। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं नहीं करती। दुनिया में अगर मुझे कोई चीज समझ आती है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारा प्यार है। अरे इधर आओ, इधर। अरे क्या हुआ? इधर आओ ना। क्या हुआ? तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मुंह बंद करो। कौन है वो? मेरे चाचा जी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आया हूँ प्रिया, तुम मेरे साथ चलो ना। प्रिया, प्रिया, हेलो प्रिया, शाम को मैं बोर्ड के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो जरूर आओगी, नहीं तो दोबारा मैं तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्रिया। हाँ माँ। वाह, अब तेरे चेहरे पर हंसी आई है। ये नेकलेस तेरे पापा तेरे लिए लेकर आए, जरा पहन कर दिखा, पलटना। कहीं मेरी ही नजर तुझे ना लग जाए, तेरे पापा को अच्छे से पता है कि तेरी पसंद क्या है। वैसे प्रिया, मैं तुझसे पूछना ही भूल गई,
तुझे ये रिश्ता मंजूर तो है ना? माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी प्यारी बच्ची। ठीक है बेटा, अब तू सो जा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो जरूर आओगी, नहीं तो दोबारा मैं तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्यार में जो दर्द है, प्यार से बड़ा कोई दर्द नहीं है। शायद कहीं ये मेरी जान ना ले ले। तुम्हारे आने के बाद चला जाएगा वो दर्द। हे प्रिया, प्यार एक वरदान है, ये किसी भी इंसान को तपस्या के बिना नहीं मिलता है। और जिसे मिलता है उसे खुशी के साथ जीना चाहिए, ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। हंस दो ना बाबा। नहीं, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी आता है। और उस दिन मैंने आई लव यू बोला और तुम मुझे छोड़कर और बिना कुछ बोले वहां से चले गए, और फिर अचानक से आकर के मुझे आई लव यू बोल रहे हो। प्रिया, क्या तुम चार बोतल पीकर मुझे भूल जाओगे? हम लोग ऐसे नहीं हैं। प्रिया, कल क्या होने वाला है तुम्हें पता भी है क्या? क्या होने वाला है? कल मेरी एंगेजमेंट है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, हिंदू रीति रिवाज में अंगूठियां बदलना मतलब उसे सगाई कहते हैं, और क्रिश्चियन में बदली जाए तो शादी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही तुमसे शादी करूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ ले जाओगे? कहाँ जाऊंगी मैं? जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था तब तुम कहाँ थे? और आज तुम मेरे पास आए तो मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ? एक दूसरे से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा प्यार करना गलत है जिसने मुझे प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, उनको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इट्स रॉन्ग। पहले हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चलना चाहिए, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगी। अब कल मेरी एंगेजमेंट हो रही है, बस और कुछ नहीं। प्लीज अभी कल मेरे फोन का वेट करना। डैडी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मेरे लिए लड़का मत ढूंढिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ढूंढिएगा मत, कल हमें ऐसा लेटर तो नहीं मिलेगा ना? माँ, इट्स ओके। कौन है वो लड़का? अभी अभिराम। अभी, I love you. Leave me alone. कल तुम्हारी सगाई है, अब क्या कर सकते हैं? एकदम हीरो की तरह है। लड़की को बुला कर लेकर आओ।
अभी लेकर आती हूँ बेटा। किरण वो इसी गांव में है। अकेले में उससे बात करनी है। बेटा वो कोई बात नहीं किरण, तुम बात कर लो। देख किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। वैसे मुझे शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन पब के बाहर उसने मेरे आदमियों को मारा और उसने मुझे वार्निंग भी दी, और लेकिन देखो आज मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे फिक्स कर दी। वैसे मैं कितना लकी हूं ना, जिसने मुझे मारा उसकी लवर के साथ मैं लाइफ लॉन्ग रह सकता हूँ और खेल भी सकता हूँ। ऐसा रिएक्शन मत दो, अब तुम मेरी पत्नी हो। वैसे हमारे सामने पूरी जिंदगी है मजे करने के लिए। मैं एक भी पल वेस्ट नहीं जाने दूंगा तुम दोनों का, तेरा यहाँ पर और उसका वहां पर, वो भी इसी गांव में। मुझे अच्छे से पता है, मेरे आदमी ऑलरेडी मैदान में उतर चुके हैं, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, तुम्हारी बेटी कॉलेज में किसी से प्यार करती थी। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लगा है कि वो इसी गांव में है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कोई भी आए आपकी बेटी से शादी सिर्फ मैं ही करूंगा, ये फिक्स है। उसका क्या करना है मैं देख लूंगा। हाँ चलो। प्रिया, प्रिया! अरे देवर जी। प्रिया! ए, वो रूम में नहीं है, वो कहाँ चली गई जाके ढूंढो उसे, जहाँ भी दिख जाए वहीं पे पकड़ लो उसे और मेरे पास लेके आओ। पता है तुम्हें आज जो लड़का मुझसे शादी करने आया था वो कौन था? किरण। इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी शांत हो जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, तुम बस मेरे साथ रहो। क्या हुआ? लगता है दूल्हे को आज मैदान में उतरना ही पड़ेगा। छोड़ना मत किसी को। चलो। हेलो अभी, विनय अमृता को। हाँ क्या हुआ अभी? चलो। हेलो 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 अभी, भाई वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर भाग गए। प्यार अद्भुत है, इसके बारे में मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना और देखा, लेकिन अपने प्यार पे इतना भरोसा करने के लिए और एक दूसरे को अपना मानने के लिए हैट्स ऑफ टू यू। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों के पेरेंट्स से बात करके मैं आपकी शादी यहीं करवाऊंगा, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहो स्वामी। सर ध्यान रखना। ठीक है सर। क्यों रे शक्ति? अंकल तुझे कुछ पता नहीं है? सच में नहीं पता।
उसके यहां आने के बाद ऐसा सोचा कि वो उस लड़की को भूल गया होगा। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कुछ कर नहीं सकता। इसमें उसकी गलती नहीं है। घर में इतना सब कुछ हो गया और सबके पीछे अगर कोई है तो तू है। अरे क्यों इसे बिना मतलब के डांट रहे हो? एक पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये उसकी पत्नी को सब पता होता है, लेकिन जवान बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये घर में किसी को नहीं पता। क्या कर रहे थे तुम लोग? उस दिन मंदिर में विद्या प्रसाद ने जो अटैक किया था उसका कारण भी यही था, इसी की वजह से हुआ ये। ए गणेश जी भाई, तुम अभी वाइजक जाओ और कॉलेज से सारी जानकारी इकट्ठा करके लाओ। ठीक है भाई। हमारा मान रखने के लिए वो इस शादी के लिए तैयार हुई थी। ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, अभी ऐसा करेंगे तो। जरा सोचिए जी, वो आखिर और कर भी क्या सकती थी? वो प्यार करती है ये बताने से पहले ही यहाँ इतना सब कुछ हो गया तो। लेकिन इसमें मैं तो पहले ही बोलता था, लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, अब देख लिया ना। आखिर क्यों, लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लड़कियों को क्या पता, माँ बाप कितनी तकलीफों से उसे पालते हैं, हम सबने कितने सपने देखे हैं उसके लिए, और अब कोई भी ऐरा गैरा लड़का आएगा और फिर लड़की के माँ बाप पे वो केस ठोक देगा, फिर जेल पुलिस का चक्कर। मैं भी देखता हूँ वो मुझसे कैसे बचता है। बचकर भाग गया वो, फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। 2 दिन में आपकी बेटी को ढूंढ कर मैं उसी के साथ शादी कर लूंगा, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझसे कोई भी नहीं बच सकता, वो भी नहीं, मेरे ही हाथों से मरेगा वो। हेलो सुनिए जी, ये पहले से ही बहुत गुस्से में है, इसकी वजह से अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। प्रिया सर, यहाँ प्रिया थी, कहाँ गई प्रिया? कौन प्रिया है सर, ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कल रात आपने ही बोला था कि हमारी फैमिली को बुला करके कल हमारी शादी करवा देंगे, और अब आप। ए, कौन है रे तू? सर, रजिस्ट्रार नहीं है, पुलिस स्टेशन है। तूने एक लड़की का किडनैप किया है इसीलिए तुझे अंदर किया है, हमारे SI का आने का टाइम हो गया है, तू चुपचाप अंदर जा। ए, क्या चल रहा है यहाँ पर? कम से कम आप तो इन्हें बोलिए कि आपने कहा था। ए, इसने बताया कि उस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? ए, अंदर कर इसे। सर, मार खाएगा फिर ये बताएगा, चल चल अंदर। सर सर, ए, जो बोल रहा हूँ कान खोल के सुन ले, कल तक पता लगा लूंगा लड़की को कहाँ छुपाया है, उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दूंगा, माइंड इट। सर सर, मेरी बात ध्यान से सुन, उस अभिराम को भूल जा और किरण से शादी कर ले, नहीं तो उसके साथ साथ तुझे भी उड़ा दूंगा। गारंटी के साथ कल मैं उसका एनकाउंटर कर दूंगा, चुपचाप किरण से शादी कर ले, वही तेरे लिए अच्छा है, ध्यान रखना। आंटी, कल से आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। कल मैंने अभी को फोन किया था, मुझे लगा अभी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, और तभी से उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहीं उसके साथ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो किस कंडीशन में होगा, वो कहाँ है क्या तुम जानते हो? हाँ। वैसे तुम्हें प्रिया का गाँव पता है क्या? भद्राचलम के पास, दुर्गम पहाड़ पर। नमस्ते मैडम। अभी
बिल की पेपर्स। बात कीजिए। हेलो, मैं एसपी हूँ। क्या नाटक है, सुनते क्यों नहीं तुम लोग? सर ठीक है सर, अभी क्या भी छोड़ दो। ओके ओके सर। माँ वो प्रिया, वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तू घर तो चल। अरे चल ना। पवन कल्याण के फैन है ना आप? उनके फैन होने के बावजूद भी ऐसे करप्ट लोगों का साथ देते शर्म नहीं आती? पवन कल्याण के फैंस की एक रेंज होती है सर, शर्म करो खुद पे। चलो बेटा। अरे चल ना, चल। प्रिया और तुझे मारने के लिए तेरे पिताजी ने गुंडे भेजे थे। हाँ, पापा ने? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। प्रिया के पास आने के बाद तुम्हारे पापा ने गणेश को कॉलेज भेजा ताकि वो तुम्हारी क्लासमेट से पूछकर तुम्हारे प्यार के बारे में पता कर सके। तुम्हें और प्रिया को गांव में ही मार डालने के लिए उन्होंने गुंडों को भेजा, लेकिन तुम लोग वहां से भाग निकले। बाद में पता लगा कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में हो। वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए भाई। फिर तुम्हारे पापा ने एसआई को फोन किया। सर वो दोनों अभी मेरे कब्जे में है सर। जान ले लो उसकी। सर दोनों की लाशें नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे काम के बदले तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जब तुम्हारे पापा ने एसआई से बात की तो मुझे बहुत डर लगा। आखिर क्यों माँ? प्यार, तू नहीं समझ पाएगा और ये सब बताने का अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास। प्रिया के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब प्रिया? हाँ, वो मुसीबत में है। जिंदगी के साथ खेलने वालों के लिए प्यार एक खिलौना होता है बेटा। तू युद्ध कर अपने प्यार के लिए, उस लड़की ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। कैसे हुआ ये? उसे बेल मिल गई सर, एसपी सर का फोन आया था। एसपी सर से मैंने बात की थी सर। बच के भाग गया। तुम्हारी बीवी को सब कुछ पता चल गया है, वो अपने बेटे को बेल करा कर ले गई। तो तुम क्या कर रहे थे? एक काम कर, उस लड़की को मार दे। सर कहा ना मार दे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो कह रहा हूं मान ले, नहीं तो मार डालूंगा। मार डालो। बंदूकों के बीच तुम जीने वाले, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? लगता है फिल्में बहुत देखती हो। आ गया तेरा आशिक, तुझे छोड़ दूंगा लेकिन इसको मार कर, तू देखती रह। अबे तेरी तो Ah!
तेरी तो, तेरे जैसे लोगों की वजह से इस देश में दिन प्रतिदिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे करप्ट ऑफिसर को तो जान से मार देना चाहिए। चुप कर, लाख दो लाख के लिए पुलिस वालों को गाली देते हो। तेरे बाप ने मेरे छोटे भाई को मारा, इसलिए तेरी पूरी फैमिली खत्म करने का प्लान है मेरा। उस दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, तुम लोग खुद चलकर मेरे पास आए। तुझे मारकर तेरे बाप को बुलाकर उसे भी मारने का प्लान था, लेकिन तू उस दिन बच के निकल गया। जानता है मेरा भाई कौन था? विनय। विनय वाइजेक कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसने बोला एक लड़की से प्यार करता हूं, वो चाहता था कि मैं उस लड़की के पिताजी से बात करूं, और जब उसका फोन नहीं आया तो मैं वहां पर गया। पापा प्लीज छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए पापा। हेलो विनय सर, गाड़ी में किसी लड़की को लेकर जा रहे हैं। व्हाट? मेरे ख्याल से लवर है सर, अभी इधर से ही लेकर गए हैं। कहां पर? चल निकल बाहर, दिमाग खराब हो गया है तेरा। तू मेरी बेटी से प्यार करेगा? नहीं करेंगे ऐसा पापा, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए पापा। हाँ छोड़ती हूँ पापा प्लीज। हम अपनी बेटियों को कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए, और तुम लोग झूठे सपने दिखाकर उन्हें फंसाते हो। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुमको। सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। तो यही है ना तेरा आशिक, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। हमारे गांव की लड़की चाहिए तुझे, तेरे गांव में लड़कियां कम पड़ गई थी। हमारे घर का दामाद बनने का सपना देख रहा था तू, तूने सोचा हम देखते रह जाएंगे। अभी बताता हूँ तुझे। विनय, हे अभी विनय और अमृता को। ये देश जो पीछे जा रहा है ना, वो मेरे जैसे पुलिस वालों की वजह से नहीं जा रहा है, बल्कि तुम्हारे पिता की वजह से जो जाति के बारे में सोचते हैं। मार डालूंगा तुझे। मेरे खिलाफ गई थी तू? मैं कभी आपके खिलाफ नहीं गई और ना ही कभी जाऊंगी। आखिर प्यार से आपको तकलीफ क्या है, इसमें क्या नुकसान है? मैं तुझे बताऊं क्या? मुझे बताइए। आपके लिए मैं अपनी इच्छाएं, खुशी, यहाँ तक कि अपना प्यार भी कुर्बान करने को तैयार था। सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे ये सब कुछ छोड़ देने का कोई सही कारण नहीं मिला। क्यों रे? मेरे खिलाफ बोलने वाला मर्द बन गया? हमने क्या क्या नहीं खोया तुझे पाने के लिए सोच भी नहीं सकता। तू जब पैदा हुआ, तेरे इस्तेमाल किए हुए साबुन और कपड़ों को मैंने इस्तेमाल किया, तेरे पैरों को जमीन पर नहीं पड़ने दिया, कंधे पर बैठाकर तुझे झुलाता रहा, खाना भी तब खाया जब तक मैंने तुझे नहीं खिला दिया, और आज तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ये लड़की मेरी बीवी है, तू बोलेगा क्या मैं मान जाऊंगा? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तूने आखिर क्या दिया मुझे? मेरी अच्छाई का तूने ये सिला दिया? रामायण में नहीं पढ़ा? बड़ों के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए,
महाभारत से नहीं सीखा? जुबान दे देने पर जान दे देनी चाहिए। बस करिए पापा। अभी चुप रहिए दादी। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी, महाभारत को लिखने वाले वेदव्यास जी, किस कुल से हैं, इन सबका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अपनी पत्नी के लिए सबका सर्वनाश करने वाले भगवान श्री राम थे। 100 लोगों के बीच जब एक औरत की साड़ी खींची जा रही तो श्री कृष्ण ने बचाया। तो फिर कुल के नाम पे हम ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? दूसरों का हक मार करके उससे अपना पेट भरना, ये कहां का न्याय है? दूसरों की जान लेना किस ग्रंथ में लिखा है? कौन से भगवान ने कहा है? हमने तो बस एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। प्यार करना गलत है क्या? हमें मार डालेंगे। मार डालिए ना पापा। पापा, प्यार करने वालों को नहीं बल्कि अपने अहंकार को मारिए। इंसान इंसान से ही पैदा होता है। एक बात और है, आज मैं खुद को ही मार देता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं तो फिर मेरे जीने का फायदा क्या है, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। वक्त के साथ खुद को बदलिए पापा। हम सॉरी प्रिया, यहाँ हमारी बात को कोई नहीं समझने वाला। चलो अभी बेटा, अभी। अरे सुनिए जी, आपके लिए उसने अपने प्राणों से प्यारे प्रेम को छोड़ दिया है, और आप उसके लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। धनंजय, क्या है ये सब बेटा? रोड पर मिली लड़की को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है और जाति के लिए अपने बेटे की बलि दे रहा है। तू तो लोगों के लिए अपनी जान देता है ना बेटा, तो फिर ये सब करके तू अपने ही बेटे की जान क्यों ले रहा है? वो तो तेरा सगा बेटा है ना। अरे जानवर भी अपनी जाति के जानवरों को नहीं मारता, तो फिर तू इंसान होकर ऐसा कैसे कर सकता है? जयराम, हमने गलत किया है, इस गलती को सुधारने का एक मौका है, जरा सोच लो। वो खुद चल के आया है, मार डालो उसे। ए, रुको। मैंने प्यार किया है माँ, लेकिन आज सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। एक मिनट बेटा, तुम्हें प्यार की वैल्यू पता है? तुम्हारे पापा ने अगर एक बार मना कर दिया तो तुम क्या इसे छोड़कर चले जाओगे? प्यार कोई खेलने की चीज नहीं जिसे जब चाहे खेलकर छोड़ दिया। इस दुनिया में हर कोई इंसान अलग अलग जगह पर पैदा होता है, लेकिन प्यार के लिए किसी को दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, प्यार में ये सब नहीं होता है। वो लोग प्यार की वैल्यू नहीं जानते, तो तू अपने प्यार को छोड़ देगा? खुद को क्यों धोखा दे रहे हो? शायद तुम्हारे फैमिली वाले प्यार की वैल्यू ही नहीं समझते। जाओ, जाकर बोल दो अपने माँ बाप और दादी से कि इसी क्षण, इसी पल तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए मर गया। भैया, सरोजिनी, प्रिया की शादी तुम्हें जिससे करवानी है करवा दो, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र मेरा बेटा ही बांधेगा। वो
वो मेरे भैया हैं। मैं उनके लिए उनकी जान थी। तुम्हारे पापा से प्यार करके मैंने उनसे शादी कर ली और वरमाला के साथ हम लोग घर पहुंचे। तुम्हारे पापा नीची जाति के हैं, इसलिए भैया ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इतनी हिम्मत? छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। मैंने सामना किया। भैया नहीं, ऐसा मत कर, कर दीजिए भैया। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। सरोजनी, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, जाओ बेटे। गणेश, उन्हें गांव की सीमा पार करने मत देना। ठीक है भाई। बैठ जाओ। बाहर निकल, बाहर निकल। भैया, भाई ने बोला है फिर भी मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। भाई की नजरों से दूर जाकर अपनी जिंदगी जी लो। ए, गाड़ी निकालो रे। मैं चाह के भी बहन को मार नहीं पाया। सरोजनी, अरे सरोजनी, इतने साल बाद देखा है तुझे। सरोजनी, मेरी बच्ची, आई है भैया। भले ही ससुराल में सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन मायके का ना होना किसी भी लड़की के लिए, मायके का ना होना दुख की बात है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए भैया। अरे सुनिए, वो लोग प्रिया को लेकर जा रहे हैं। जाओ, रुक जाओ। जिसकी बीवी है वही लेकर आएगा उसे। भाई अगर अभी को कहीं कुछ हो गया तो मेरे बेटे को मारने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसे। मेरे बेटे के सामने उसकी औकात ही क्या है? हवा के झोंकों की तरह उड़ा कर फेंक देगा मेरा ये शेर। छोड़ना नहीं।
किरण, ये तूने क्या किया? हे किरण, इंसानों की तरह जीना, विनय को मारना मेरे पापा की गलती थी। प्यार भगवान का एक वरदान है। लोगों को दुश्मनी मिटाकर प्यार बांटना चाहिए। प्यार से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। इसीलिए इंसान बनिए और प्यार बांटिए।